जार ताप त्रय इहा नहीं जानी केमने हित है। मुझे क्या करना है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये कुछ नहीं जानते थे। परंतु उस समय उस हिरण्य गर्भ को, सृष्टि के प्रथम जीव को दो शब्द सुनाए दिए, तपह तपह, और तुरंत समझ गए कि तपस्या करने का निर्देशन हुआ है, मुझे तपस्या करनी चाहिए। और तुरंत वे सृष्टि के प्रथम जीव हिरण्य गर्भ तपस्या करने लगे। और हम लोग बार बार कहा जाता है मंगला आरती मंगला आरती, बार बार कहा जाता है जपा जपा, दो बार नहीं, 200 बार नहीं, 2000 बार बोला जाता है, परंतु फिर भी हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। परंतु धन्य है सृष्टि के प्रथम जीव हिरण्य गर्भ, केवल 2 शब्द सुनकर तपस्या करने लगे। और ऐसी वैसी तपस्या नहीं, 100 साल तक, देवताओं के 100 साल तक उस प्रथम जीव हिरण्य गर्भ ने तपस्या की। और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए। और प्रकट होकर भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने केवल एक घड़ी में उस हिरण्य गर्भ सृष्टि के प्रथम जीव को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, केवल 1 सेकेंड में, 1 घड़ी में। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास मुनि ने लिखा, जन्म आधस्य तोन्व आदितरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरया। ये वो कृष्ण है जिसने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रस्फुटित कर दिया, प्रकट कर दिया। मैं अक्सर कहता हूं, ईश्वर यदि मेहरबान हो जाए तो ज्ञानी बनने में देर नहीं लगती है। श्री कृष्ण भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgobindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +917506337055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।